कैसे हो दोस्तों, धर्मराज ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलूंगा भिखारीपुर पेट्रोल पंप के पास। यहीं पे बनारस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में दोस्तों तरह तरह के गर्म कपड़े कम और उचित मूल्य पर मिल जाएंगे। कुटीर उद्योग के सामान भी उचित मूल्य पर मिल जाएंगे। दोस्तों बनारस महोत्सव करीब सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम लोग चलते हैं इस महोत्सव में लगे स्टाइल को देखने के लिए। दोस्तों कैसे भैया अचार अचार कैसे है? ये सब नींबू का अचार कैसे है? सब 60 रुपये मुरब्बा है। नींबू का मुरब्बा है कैसे है ये किलो? 240 रुपये किलो। सब सेम है, सबका दाम 240 रुपये है। सब कहाँ के रहने वाले हम लोग? राजस्थान से हैं क्या? हम लोग मिर्जापुर के रहने वाले, राजस्थान भी करने का अचार है। अच्छा, ये जो है मसाला जो है राजस्थानी है। बिस्किट मेरे घर का है। ये घर का है। मिर्जापुर में कहाँ रहने वाले हो? रामबाग। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाने के लिए आए। कैसा चल रहा है? सही चल रहा है? हाँ, तो शुरुआत की है तो हाथ मतलब बढ़िया है कुछ काम पर। हाँ, अच्छा चल रहा है ना? हाँ, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो एक दो। क्या नाम है हमारा? चार साड़ी है। चलिए, बहुत बढ़िया है कि लगाए रहिए, लोग सीखे जाने कम से कम। तो ये आम का अचार है और ये आमले का है, और उसके बाद ये हरी मिर्च का है। हरी मिर्च का है ये भैया? अदरक। ये लहसुन का है और ये मिर्चा? लाल मिर्च। लाल मिर्च का है। आइए, किस चीज़ का है? आम का स्लाइस। ये आम का स्लाइस। अच्छा अच्छा और ये भैया? टेरिया। अच्छा, टेरिया है। और ये सूरन का होगा? सूरन का। ये बांस का, ये कटहल का। ये बांस का अचार है। अच्छा, और ये किसका है? कटहल का। ये सब घर का बनाए हुए हैं? कैसे किलो है ये सब? ये बिस्कुट जो है कैसे किलो है? 200 रुपये किलो है। चने बेसन का है, नारियल बेसन का है। अच्छा, 200 रुपये किलो सब। आप किस किस सामग्री का बना हुआ है? किस किस सामग्री का बना हुआ है? चने बेसन से, मूंग बेसन का है, नारियल बेसन का है। अच्छा, नारियल बेसन का है। ये कौन सा है? ये चैनल है क्या आपका? ये बिस्किट, ये चने बेसन का है। ये चने बेसन का है। एक निकालो, निकालो एक छोटे, वही दो हल्का लिखा है। ये चने और बेसन का है। ये 20-20 रुपये किलो है। ये सब घर का ही बना हुआ है? ये मेरे घर का है। चने बेसन का जो है बिस्कुट है, बिस्कुट ही कहेंगे इसको ना। बढ़िया है, आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं भिखारीपुर में। खोलो खोलो, वो चने बेसन बादाम का है, वो निकालो। बादाम का है ये, खोलिए। तो ये बादाम का बना हुआ है। ये भी 200 रुपये किलो है। ये बादाम का बना हुआ है भाई साहब का। चलिए इसको स्वाद देते हैं तो कैसा है। कौन सा स्थान है मालूम है? कहाँ पर रस्सी लगा हुआ है? ये तो डब्ल्यू के पास है, मतलब सुंदरपुर पेट्रोल पंप के पास है। पेट्रोल पंप के पास लगा हुआ है। अच्छा, चना बेसन और बादाम का जो है ये बिस्कुट है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। और चलिए खाते हैं, स्वाद देते हैं। और ये जो मिर्जापुर के आए हैं, यहाँ पर रस्सी लगा हुआ है,
खास कर सुंदरपुर में ही लगा हुआ प्रदर्शनी है और यहाँ पर कुटीर उद्योग का बहुत सामान बिक रहा है। चलिए ये बिस्कुट जो है चना बेसन और बादाम का चलिए खाते हैं। 200 रुपये किलो है और हरी जी का है और ये भी लगाए हैं। कभी अगर खाइए तो यहाँ पर आके ले सकते हैं बिस्कुट और बहुत बढ़िया बनाते हैं और ये घर का बना हुआ इनका है खास तौर से। बेसन का भी ये बिस्कुट है बहुत बढ़िया मस्त है दोस्तों। 200 रुपये किलो है। बहुत बहादुर काम सीसी कैमरा सब जगह लगा हुआ है बंद करा दीजिए उसको सीसी कैमरा बंद करा दीजिए। सुबह बता रहे रूम पे था और मुझसे बता दिया सुबह मैंने वीडियो कॉलिंग करी तो कह दिया मैं तो रेलू बेड में हूँ। दस बजे सुबह हाँ तो वो कहीं जा रहा हूँ झूठ बोल के किसी को या तो वहाँ दाल मंडी में चकमा दे रहा हूँ। 3000 रुपये सरकारी दुकान मुझे इसका भी गया तक का भी नहीं है बाबू हमको क्या मालूम रेलू बेड हुई है वो यहाँ पर खिलौना भी बिक रहा है बहुत कम दाम पर मिल जाएगा आपको। लखनऊ हस्तशिल्प कला है क्षेत्र खास तौर से कैसे भैया ये वाला 280 रुपये तक 250 ये तो पेंसिल बॉक्स है कैसे चल रहा है लेडीज भाई रेंज जो है कोट वोट क्या रेंज पे चल रहा है ये क्या रेंज जो है अलग अलग रेंज है। तभी शुरुआत कहाँ से है 700 से मैक्सिमम बहुत सारा है अच्छा वो जो दुपट्टे वाला है ब्लैक वाला तो रेंज में है किसका मैडम ब्लैक वाला ब्लैक वाला जैकेट का किससे भैया शुरुआत में क्या रेंज है 1260 स्टार्टिंग है सर 1260 रुपया बिल्कुल 1500 1500 1800 अच्छा अच्छा तीन रेंज है हमारे पास 1200 1500 1800 और ये जो है कि मोदी कट जो है कौन सा ये सब जो है ये पैजामे के साथ इसका सेट है ये आएगी 2500 रुपये 2500 में जी कुर्ते हमारे पास मिल जाएंगे 400-600 तक अच्छा कुर्ते जो है 400-600 मिल जाएंगे शर्ट 400 रुपए की और शर्ट 400 रुपए की जी जी और ये कोट का दाम तो 4999 रुपए का है 30% ऑफ है आपके बात का रेट है आपके बात का रेट Thank you.
ये सब दूसरा वाला कैसे है भैया? सालोल कैसे है? अलग अलग प्राइस के। क्या रेंज जो आप मिली है, क्या रेंज है? ये प्योर में है शॉल, ये 3500 रुपए का भी है शॉल, 5000 10000 जहाँ तक आप शॉल लूंगे। कश्मीरी साल है क्या? बर्तन का विस्तार लगा हुआ है खास तौर से, न्यू इंडियन किचन बार। पीस नहीं है दिया है, बहुत डिफेक्टिव हेल्प की ये हेल्प ये सुगंधित अगरबत्ती है भैया, क्या दाम है सबका? ये 40 का एक है, 100 रुपए के 3 रुपए। इसमें कितनी काठी रहती है? इसमें 70 काठी रहता है। 70 काठी रहती है। हाँ। और ये जो है कि मतलब इसका खुशबू अलग अलग होता है। हाँ, ये जैसे ये संदल का है। हाँ, ये संदल का आएगा। और ये मतलब यहाँ चंदन का, सकते रोज का आएगा, मोगरे का आएगा, अच्छा गुलाब का है, लोबान आएगा, जैसे मोगरा का है। लेकिन सब में जो है पीसेस जो है कि 70 ही होते हैं। 70 ही रहता है। ये क्या है जो इत्र निकलने के बाद जो पाउडर बचता है, रिफ्यूज पाउडर, उससे बनता है। अच्छा, ये एसेंस केमिकल फ्लेवर नहीं रहता उसमें। मतलब कहने का मतलब ये कृत्रिम नहीं होता है, ये नेचुरल, ये नेचुरल होता है। और इससे क्या है, साइनेक्स प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। अच्छा अच्छा, जैसे कि बहुत सी अगरबत्तियाँ आप मार्केट से केमिकलाइज जलाते हैं जो दब घुटने लगता है, वो चीज नहीं होगा इसमें। तो क्या दाम बताया? 70 काठियों का 40 रुपए का एक है, 100 रुपए के 3 पे का, 100 रुपए के 3 है। हाँ, उसमें भी छूट है आपको। हाँ, 120 रुपए आपको, 120 रुपए हुआ, ऐसे आप 100 रुपए में 3 पैकेट दे रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो है कि लखनऊ जो है कि ये कन्नौज से आ सकते हैं, ये बहुत नेचुरल प्रकृति का बना हुआ है। और ये 100 रुपए में 3 पैकेट है, खासतौर 70 काठी होता है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसका लाभ भी उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये नेचुरल मतलब चीज़ों का बना हुआ है, पदार्थ का बना हुआ है। और खासकर ये भी चंदन की लकड़ी है। हाँ, ये चंदन की लकड़ी है, ये जॉइंट पेन के लिए आता है, चोट का, मोच का, गठिया का, साइटका का, सर्वाइकल का पेन रहता है, उसमें काम करता है। अच्छा, ये पूरा जितना है? हाँ, और फुल गारंटेड प्रोडक्ट रहता है, रिजल्ट ना मिलने पर फुल रिटर्न होता है। अच्छा अच्छा। और ये आपका धूप आता है? अच्छा, ये गीला वाला धूप आता है, जड़ी बूटियों से बना हुआ। अच्छा अच्छा। फेस पैक आएगा चंदन का, जैसे भैया मतलब कि आप लगाए हैं दुकान को चंदन। हाँ। फेस पाउडर तो आप तो मतलब कि यहाँ पर तो प्रदर्शनी तो बहुत दिन चलेगी नहीं, तो उसके बाद कहीं और जगह है क्या दुकान आपका? हाँ, ऐसा होता है कि उस पर प्रोडक्ट पे नंबर दिया जाता है, आप कॉल करके मंगा सकते हैं, और नहीं तो जहाँ पे भी बनारस में लगा होता है वहाँ पर जाके आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपका एड्रेस दे दिया जाता है। अच्छा, चंदन फेस पाउडर पे जैसे तेलियाबाग में, बेनियाबाग में, अच्छा कहीं भी लगता है तो टाउन हॉल, चौका घाट, संकुल में, कहीं पे भी बैठे होंगे वहाँ का एड्रेस दे दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। दाम मतलब बढ़िया आप रखे हैं ऐसे देख रहे हैं? दाम बढ़िया है, उसके बाद मार्केट से बेहतर और नेचुरल प्रोडक्ट है विदाउट केमिकल। जी जी जी। ये 40 का 100 रुपए के 3। जब से सुनी है तब से यहाँ पर साल दुसाल मिलता है, करीब यहाँ पर 4000-5000 रुपये तक का रेंज का साल और दुसाल है, जैसा कि देख रहे हैं आप। जरूरी थोड़ी ना, ले लिए तो पी के देख लो। और क्या सुबह इस सब का दाम क्या होगा भैया? 2500 रुपये पड़ेगा। 2500 का? जी जी।
और जो है कि साल वाल कैसे चालू करते हैं आप किस रेंज से? साल साल है तो उधर मिलेंगे शाम में। अच्छा कश्मीरियों में मिलेंगे। अच्छा जुलाई में जब कुछ काम नहीं था जो लड़कों के ये सब साड़ियाँ किसकी बनी है भैया? कॉटन सिल्क खादी कॉटन। क्या दाम होगा सबका? साड़ियाँ उधर लगी चाहिए मतलब कैसे क्या दाम होगा इसका? स्टार्टिंग प्राइस 1500 है। 1500 साड़ी है। अच्छा नहीं आया था बबलिंग लेकिन ये वाले कपड़े में बबलिंग आया। सब बेडशीट है ना? हाँ। क्या दाम होगा भैया सिंगल का? सिंगल 300। 300 डबल 600। सब कॉटन है? सब कॉटन। इसमें का कलर ही होगा भी है। आपकी डिवाइस की बैटरी पूरी चार्ज हो गई है। ये काली वाली क्या भैया किशमिश है क्या? किशमिश ये अलग पौधे का बना होता है वो तो मतलब दूसरे कलर का है। ये अंगूर का होता है जी? ब्लैक अंगूर। ये ब्लैक अंगूर का है? अच्छा ब्लैक अंगूर होता तो है, सही बात बोल रहा है। ब्लैक अंगूर का किशमिश बनता है। अरे कन्फ्यूजन हो गया, ब्लैक अंगूर तो खाए हम लोग लेकिन यहाँ पर आगे कन्फ्यूजन हो गया। उसको खाया जाता है फिर ये किशमिश बनता है। तो ये दाम इसका कुछ तगड़ा होगा? 800 रुपये किलो है। 800 रुपये किलो। पेट साफ करने के लिए होती है, ये ब्लड बढ़ाने के लिए होती है, वो होती है वाइट वाले अंगूर जी। इसमें दो तीन किस्म का है। देखिए ये वाला जो है कि कुछ सूखा है और ये लगता है असली यही है। ये भी असली है, वो भी असली, सारा। कैसे किलो है भैया ये? 600 रुपये किलो, ये 500 रुपये किलो। ये 500 रुपये, ये 600 रुपये किलो। और ये जो है ये 1000 रुपये किलो, ये 600 रुपये किलो। अच्छा ये 1000 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। आपका 800 रुपये किलो खजूर, 800 रुपये किलो। लेकिन इसका दाम बताएं 800 रुपये किलो। और ये ब्लैक अंगूर का बना हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ब्लैक अंगूर का बना हुआ है। और इसे पेट और साफ रहता है? पेट साफ करता है ये, ब्लड बढ़ाने के लिए अच्छा रहता है। सब ब्लड बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। कहाँ से लगा रहे हैं भैया, कहाँ से आए हैं? कश्मीर से आए। सीधे कश्मीर से आए हैं? कश्मीर। बहुत रास्ते में और सब शहर नहीं मिला आपको? तो यहाँ आके बनारस में सोच रहे हैं कि काशी नगरी में आके हम दर्शन वर्शन करें, अपना स्टॉल लगा के बेचें लोगों को? अच्छा लग रहा है सर इधर। यहाँ अच्छा लग रहा है? जैसे काशी नगरी में आप दर्शन से करने गए हैं? हाँ हाँ। अच्छा लगा? अच्छा अच्छा। अरे तो आप लोग खुद फेमस हैं कश्मीर में, बहुत पीछे हैं, हम लोग खुद नहीं जाके देख पाए हैं। आप जाते हो? अभी तो गए ही नहीं कभी, तो इस बात आपसे हम कर रहे हैं। बहुत वहाँ पे बहुत बढ़िया आया ना भाई, घूमने के लिए बहुत बढ़िया। सर्दी के मौसम में जा नहीं सकते? सर्दी के मौसम नहीं जाते, थोड़ा सा गर्मी में हो तो जाएं। अभी अभी नहीं जा सकते, मार्च के बाद ही। अच्छा अच्छा अच्छा। मार्च के बाद। तो यहाँ पर कहीं होटल में ठहरे हैं कि इसी तरह? इधर इधर रूम है हमारा। अच्छा अच्छा। परिवार के साथ आए हैं? परिवार के साथ आए हैं? नहीं नहीं परिवार नहीं, और दोस्तों के साथ आए होंगे? बड़ा भाई आया। हाँ वही अब कर रहे हैं कानपुर में अभी। अच्छा अच्छा। कानपुर में लगाए हैं? कानपुर में भी लगा। अच्छा यही चीज लगा हमारा ड्राई फ्रूट का काम। मतलब सिर्फ ड्राई फ्रूट का है? कश्मीर में तो खासकर बहुत सस्ते होते हैं सुने हैं। कश्मीर में? हाँ कश्मीर में सस्ता नहीं होता, कश्मीर में भी यही रेट आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ। जैसे वहाँ से आ रहे हैं, भाड़ा लग रहा है हमारा माल जो सभी कश्मीर से आता है। अच्छा तो काजू नहीं आता, काजू कश्मीर में। ये क्या भैया? खुबानी। ये ब्लड साफ करने के लिए होती है। भवानी? खुबानी। खुबानी खुबानी है ये, खुबानी का पेड़ होता है। और ये भैया? अंजीर है। अंजीर है। कैसे किलो ये बेचते हैं आप? 800 रुपये। 800 रुपये किलो। ये देखिए ना ये देखिए 800 का ये बस बताया। खजूर ले लीजिए, ले लीजिए आप। खट्टा टाइप का हल्का सा? हाँ ऐसे होता है कुछ खट्टा टाइप का हल्का सा। ऐसे ये जैसे बैर देखे हैं? ब्लैकबेरी? ब्लैकबेरी नहीं, एक बेर होता है, बैर होता है छोटा छोटा, इतनी बड़ी बड़ी होती है। तो जैसा वो सूख जाता है उसी तरह लग रहा है, लेकिन बस ये काला है और ये खाने में उसी तरह स्वाद लग रहा है। इसमें बीज भी नहीं है? बीज नहीं है ना?
ये ब्लड बढ़ाने के लिए अच्छा रहता है। 150 वाश कर सफेद वाला क्रिस्पीस है और ये दिखा रहे थे आपको ब्लैक अंगूर का बना हुआ है जो सुखा के बनाया जाता है। ये भी किसमें से 800 रुपये किलो है करीब। ये कभी लेना हो तो लखनऊ मसो में आएंगे आप और जो है कि पेट्रोल पंप के पास, तो यहाँ पर आके भाई साहब का मतलब जो आइटम ले सकते हैं। ये ब्लैक अंगूर का बना हुआ है, हम मिल जाएगा आपको। एक बार जरूर आइएगा इनका जो है कि एक बार लीजिएगा ब्लैक अंगूर का जो है कि ये ब्लैक अंगूर का सुखा के बना हुआ है किशमिश है। आके यहाँ पर दीजिए और एक बार खाइए, ये पेट को साफ करने में भी काम आता है। सर ये बता, हम देख रहे थे क्या चीज़ है भैया? ये हनी में मिक्स है ड्राई फ्रूट। अच्छा, सब ड्राई फ्रूट मतलब मिला हुआ है। हाँ। और ये मतलब कि जो हनी में तो क्या रेट है इसका? इसका 300 रुपये। 300 रुपये किलो है। हमको लगता है करीब आधा किलो के आस पास है। क्या 400? कितना? 400 ग्राम मतलब आधा किलो थोड़ा कम। इसका दाम इसमें 400 है ये परफेक्टली। अच्छा, और ये हनी मतलब शहद में मिला हुआ है। ये भी वही चीज़ है। हाँ, वही चीज़ ताकत के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, कश्मीरी कावा। अच्छा, ये क्या भैया? कश्मीरी कावा, छोटा मिल जाएगा बड़ा। कश्मीरी कहवा? हाँ। तो ये बहुत तगड़ा होता होगा। हाँ, ये शरीर को ठंडा रखता है, हड्डी जो होती है शरीर की वो मजबूत रखता है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये शरीर को मतलब कि ठंडा रखता है। हाँ, ठंडा रखता है। अच्छा, तो जाड़े में ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं इसका? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत लेके जाते हैं। अच्छा, ये हड्डी मजबूत करने के लिए अच्छा रहता है। लगता है केसर सर है? केसर है, हींग है। अच्छा, हींग कौन सा है इसमें? हींग है। अच्छा, कैसे है ये? ये 200 रुपए की है सर। एक डिब्बे? हाँ, एकदम ओरिजिनल लद्दाख, लेकिन एकदम नेचुरल है। नेचुरल लद्दाख। हाँ सॉरी, 13। मैं तो पैकेट लिया था अभी। ये कैसे भैया? ये सर 800 रुपए का किलो है। इसमें प्लस मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। अच्छा अच्छा, मिक्स होता है। आधा किलो या किलो? एक किलो 800 का है। आपके यहाँ जो भैया कश्मीर जो साल लगा उसको कश्मीर का है कि मतलब कुछ जंगल भी है? नहीं, कश्मीर का ही है। क्या रेट चल रहा होगा भैया? अलग अलग रेट से सर। जैसे ये इसका दाम बताइए। इसका दाम जो है 1600 रुपये सर। 1600 रुपये जी, बारह सौ। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से है भैया? स्टार्ट कहाँ से किए हैं? जैसे दाम का स्टार्ट कहाँ से किए? शॉल में। हाँ, 750। 750 में दो सालों में जो आदमी जो? हाँ, उसमें से एक ही है। अच्छा, उसमें तो एक ही हमारे पास, वो है 1250 का। हाँ, 1250 का जेंट्स के लिए। जी जी। ओम रेडी मिक्स मसाला जी सर, गजब काम हो रहा है आपका। अगर आपका चक्कर थे बाहर दूसरे स्टॉल में आज भेंट हो गया। तो यही काम करते हैं आप? स्टॉल स्टॉल जाते हैं? यही लेते हैं। पर ये कहाँ की कंपनी है? ये महबूबगंज की। इससे मतलब प्रचार चल होता है? प्रचार के लिए। अच्छा, तो ये वेज भी है और नॉन वेज भी है, दोनों तरह का मसाला है ना? और ये नॉन वेज कितने का आ रहा है सर? ये समय 70 रुपये का नॉन वेज का, 60 रुपये का वेज का है। 6 वेज का, दाम में ज़्यादा अंतर है नहीं? और ये गोभी जिस रखे हैं तो वेज का है? सब वेज का है। टेस्ट करके देखिए, खा के देखिए, बहुत बढ़िया लगता है। बना दे थोड़ा सा, ऐसा रहता है मसाला। ये वाला जो है वेज मसाला है? हाँ, ये वेज वाला, वेज मसाला ऐसा डाल देना। इसमें कुछ डालना नहीं है, हल्का सा पानी डालना है बस। अच्छा, उसको पेट लेना। इसमें सर नमक सब मिक्स होता है? सब रेडी रहता है। अच्छा, आपको ना बेसन, ना नमक, ना मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर कुछ नहीं। अच्छा, ये है जो वेज जो है मसाला है, खासतौर से ये ओम रेडी मिक्स मसाला है। और वेज भी देते हैं और नॉन वेज भी देते हैं। वेज जो है 60 रुपये का, नॉन वेज जो है 70 रुपये का है। और ये पका रहे हैं, खाने में बहुत कुरकुरा, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, ये मसाला कितने दिन रख सकते हैं? ये 9th month रख सकते हैं इसको। अच्छा, खोलने के बाद जो है। हाँ, कितना दिन? 9th month। अच्छा, 9 महीने तक। अच्छा अच्छा, वैसे 2 मिनट लगता है पकने में? पकने में 2 मिनट सर, 2 मिनट का। ये तेल लाल रहेगा तो हाँ, तो 1 सेकंड में हो जाएगा। सही बात।
जितनी भी सब्जियां हैं उपलब्ध है उसमें डाल के उसको कोई भी फ्राई कर सकते हैं। 24 वेजिटेबल आप फ्राई कर सकते हैं जी जी, जैसे पनीर हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, मंचूरियन हो गया, पात गोभी हो गया, अच्छा अच्छा, बैगन हो गया, कोई भी वेजिटेबल आप फ्राई करके खा सकते हैं। पनीर के लिए चिल्ली पनीर के लिए बहुत बढ़िया मसाला जो है 70 रुपये का है। आ कितने ग्राम होते हैं इसमें? ये 250 ग्राम है। 200 पता है सर, आप जैसा लेंगे 2 किलो पैकेट तक मिल जाएगा। तो ये है खास तौर से नॉन वेज जो है कि ये ओमरेडी मसाला से बना हुआ जो है आइटम है। चलिए सब जैसा खा लेते हैं, देखते हैं कैसा स्वाद है इसका। जो वेज मसाला का है ओमरेडी का, कैसा लगा भाई? भाई साहब आपको अच्छा लगा? एकदम मस्त है। भैया सब साड़ी क्या है, काटन है कि सिल्क है? काटन है, सिल्क का सब तरह का है। अच्छा अच्छा, शिफॉन मिल जाएगा आपको? जी जी, तो जिससे मतलब कि काटन क्या रेंज चल रहा होगा? काटन 650 से स्टार्टिंग है। और सिल्क का? सिल्क का 950। 950 का ये सामने जो लगा है तब सिल्क ही है? वो काटन पे है। तो सामने जो है पीला वाला ना? अच्छा, ये ब्लैक वाली साड़ी भी है? ये ऑर्गेंजा है, ये 1250 की है। 1250 रुपये का ऑर्गेंजा नाम है साड़ी का? नाम है साड़ी का नाम है। अच्छा, इसको जैसे धो सकते हैं बराबर? हाँ, ये घर पर हम आशे बोले इसको धो सकते हैं आप जैसे चाहे वैसे, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, सब ये पूरा जरी का काम होता है, ये बुनाई होती है इसकी, हैंडलूम से देखिए। अच्छा अच्छा, ये पूरी बुनाई होती है इसकी? इसकी बुनाई होती है हाथ से होता है? नहीं नहीं, मशीन से मतलब बुनाई होती है। अच्छा, ये कलर जाकर है सब ऐसी जैसा है उसी तरह है, पार्टी में पहनने लायक है? पार्टी में पहने फिर इसके पास एक दो हाथ जैसा ऐसा हथवा में लेके खराब जी ऐसे करिए सामने दिखाई दे। ये 1250 की है, ये देखिए, ये पल्ला आएगा साड़ी का, पूरा ब्रोकेट का ब्लाउज आएगा आपका, ये पूरी साड़ी आएगी आपकी ऐसी, ये देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत ये भगवान का पोशाक उपशाक है जो तब पूजा पाठ में लोग प्रयोग करते हैं, सजाते हैं घर पर, डेकोरेशन करते हैं उसी का ये है, आप यहाँ पाके ले सकते हैं। जूती है लेडीज जूती है? हाँ जी। जेंट्स नहीं है? जेंट्स नहीं है वाला, जेंट्स ही वाला सब। क्या रेट चल रहा है भैया सबका? ये 350 का है। अच्छा, और लेडीज में? लेडीज 300 से 200। अच्छा अच्छा, जाय ओढ़े के लिए भी मतलब जूती ज़्यादा लोग जो करते हैं? हाँ, राजस्थानी नागरा जी। जूती है भैया? राका बाबा जीवन 32 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी उपचार। एक बार और कहीं मिले थे आपसे? एक बार कहीं मिले थे आपसे? कहाँ पे मिले थे भाई? महोत्सव मिले थे कहीं? प्रोग्राम कहीं लगा होगा आपका? हमारा पूरा हर जगह में लगता है सर। अच्छा, वही बात सब देसी जड़ी बूटी आयुर्वेद दवाई से फायदेमंद चीज़ है। अच्छा अच्छा, गैस की, कब्ज की, शुगर की, पथरी की, बवासीर सब देसी दवा होता है। लखनऊ महोत्सव में आके ले सकते हैं? काम तो है ही, आपको रेट बहुत आप किराया दे रहे हैं। नहीं रहे क्या है? क्लास दे रहे हैं बड़े बड़े। आप वो सॉम्प है जैसे पानून खाने के लिए मुँह है कि मुँह फेसियर है खासतौर से, और कई रेट का है। खजूर सुपारी है, पंजाबी मिक्सर है, उसके बाद धनिया दाल मिक्सर है, सबका रेट लिखा हुआ अलग अलग। 40 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, जयपुरी बनारसी पान, ये टाफियाँ है खासतौर से। अरे हमें मालूम है ना, कहाँ भाव दिए? दे दिया है सस्ते में, कहा सस्ते में दो भी? अब कहाँ सस्ते में दे दिए, हमको दे देना, हम कहे गए नहीं। हम लोग के चलने वाला है ना,
अजीरवा चाहिए था बोले तो ज्यादा बताया था, देखते हैं। ये सब आर्टिफिशियल जो है गहने हैं खास तौर से। छोटा का बताया, छोटा बड़ा सब। ये भी आर्टिफिशियल जो है हैदराबाद का प्रसिद्ध मोती एवं ज्वेलरी का जो है कि सब क्या रेंज चलाते हैं भैया, इसका दाम क्या है? सब अलग अलग है, 100 रुपये से स्टार्ट है। 100 रुपये से स्टार्ट है। और पे में एक पीस है दोस्तों, कैसा देख रहे हैं आप? 100 रुपये में 3 पीस से बिका हुआ माल वापस नहीं। बड़े बड़े शोरूम का माल है, बड़े बड़े शोरूम का माल है। होलसेले चले माले, थोड़ा जाना है अनमोड़ा, जाएंगे पानीपत से आएंगे। तो दर्जन के हिसाब से कप देते हैं, मग देते हैं, दर्जन के हिसाब से देते हैं भैया? दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। दर्जन भी, सिंगल भी बेचते। ये मग कैसे है दर्जन? ये वाला लेकिन ये जो है कि ईयरफोन ईयर की तरह बनाया है सर, बच्चों का जो है ज़्यादा बढ़िया। ये वाला क्या दाम है भैया सबका? ये 250 का, ये 100 का, ये 100 रुपये का है और ये 250 रुपये का। हाँ, उधर भी लगा है। अच्छा, उधर भी लगा है। बताइए लेना।
बता तो रहे हैं 5200 क्या रेट है भैया सबका? 6000 का है भैया। 6000 का है, ऊपर वाला 5500। इसको मतलब धो सकते हैं, सूखी जलाई होती है, हसबल है। इस वीडियो में दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा।